बाजोबार में एक शिक्षक के भरोसे ही 6 महीने से चल रहा है विद्यालय। बच्चों की संख्या 80, लेकिन पढ़ाने वाले मात्र एक शिक्षक। शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों का पढ़ाई लिखाई से ना करें खिलवाड़। चतरा जिले के पत्थलगड़ा प्रखंड अंतर्गत नावाडी पंचायत मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय बाजोबार का हाल बदहाल है। यहाँ करीब 6 महीने से एक शिक्षक के भरोसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। इन हालातों की वजह से ही पत्थलगड़ा प्रखंड में भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होने लगे हैं। इन्हीं हालातों को देख आज फिर से ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लापरवाह बताते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग के अधिकारी एक शिक्षक नियुक्त करें, अन्यथा हम सभी आगे बढ़ेंगे। करीब 6 महीने से एक शिक्षक के भरोसे पर 75 से 80 बच्चों का भविष्य है, जो पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। जबकि कुछ महीना पहले ही शिक्षक पोखन राम के नाम से निकली चिट्ठी के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अभी तक किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी की सजा यहाँ के सभी बच्चे भुगत रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जरूरत है ध्यान देने की, ताकि बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ ना हो सके। उपस्थित सभी ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधीक्षक से जल्द ही स्कूली शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करवाने को लेकर अनुरोध किया है। चतरा से सुजेक सिन्हा की रिपोर्ट। दोबारा से मैं निवेदन करता हूँ शिक्षक के बारे में, और जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 75-80 बच्चे हैं, और एक यहाँ पारा टीचर हैं, तो यहाँ 6 महीना जो अभी केदार सर जा रहे हैं, आज जो उनका स्वागत के लिए सब हम लोग खड़े हैं, तो केदार सर अभी जा रहे हैं। मैं जो BRC स्कूल से जो जिनका पोखन राम जी को किया गया है, उनको भेजने का यहाँ नियुक्त किया जाए, मैं यही कहता हूँ। यहाँ के जो स्थानीय टीचर थे, सहायक पद पर थे मनोज प्रसाद, मनोज दांगी और राजकुमार प्रसाद। राजकुमार प्रसाद का सरकारी टीचर में हो गया। 2 बाकी जो शेष टीचर बचे थे उन्हें दूसरे विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया। उस समय भी ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी भी दी गई, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मात्र अभी एक ही टीचर हैं, जितेंद्र प्रसाद चौधरी जी, जिनके बदौलत यहाँ के लगभग 100 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। और अगर इस पर वरीय पदाधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो ये जो भी बच्चे हैं ये ग्राम बाजोबार के, इनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः वरीय पदाधिकारी से, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप शीघ्र से शीघ्र यहाँ पे एक शिक्षक की बहाली करें और ये यहाँ पे शिक्षक भेजने का काम करें, और नहीं तो यहाँ के जो भी ग्रामीण है, यहाँ के जो भी हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यदि समय से यहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग ऊपर भी आंदोलन करने। देखिए, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि पथगड्डा प्रखंड नवाड़ी पंचायत ने बाजोबार में स्कूल जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चन लोग यहाँ 75 के अधिक संख्या में उपस्थित हैं, और सभी बच्चे बच्चों लोग हैं। मैं इसके लिए यहाँ की जनता से आवाज़ आई, यहाँ शिक्षक मात्र 2 थे, एक सरकारी शिक्षक और एक सहायक शिक्षक। जो सरकारी शिक्षक यहाँ से अब नहीं रहे, रिटायर हो गए, अब एक शिक्षक पर पूरा स्कूल चल रहा है। और इसके लिए पहले हमारे मंजू देवी जो थे BO, उनसे भी गुहार लगाया गया, विभाग में भी लगाया गया, उनका चिट्ठी भी बन गया खेमलाल राम को, फिर भी किसी कारण से बताता है कि हमने पैसा खर्च करके कहीं स्कूल जाना नहीं है। मैं उस सुनकर बहुत दुखित हुए, लेकिन मैं आज सभी बच्चों को और बच्चों का सभी ग्रामीण जनताओं के बीच में आए, और मैं अभी तत्काल DSP साहब से बात किए, और DSP साहब के बोले कि सर अभी आप तत्काल इसको 1-2 रोज के अंदर में आप यहाँ दीजिए, ना तो बच्चों को लाभ और बच्चों का लाभ बर्बाद हो जाएगी। यानी शिक्षक का नियुक्ति मतलब 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। वो तो हमने से बोले हैं कि टोटल उसका बच्चा को संख्या और वहाँ शिक्षक को ले, हमने वो मोबाइल पर व्हाट्सएप कीजिए। हाँ। मैंने व्हाट्सएप किए भी और वो देख भी लिए हैं। हमने विश्वास है कि DSP साहब 1-2 रोज के अंदर में यहाँ शिक्षक भेज देंगे, ये हमने पूर्ण विश्वास है।